जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग फॉर जूनियर्स के सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हमें सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सिद्ध योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इम्प्रूव हो जाते हैं और बच्चे जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी कर पाते हैं। और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मात्र शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक क्यों करवा के सही कर देती है। तो मैं अभी किसी बच्चे को आगे बुलाना चाहूँगी, वो अपना हैंड रेस करें और सबको ध्यान की विधि यानी मेथड ऑफ मेडिटेशन बताएं। जय गुरुदेव। अनिल जी की आईडी से जो बच्चे जुड़े हैं कृपया वो आगे आए और सबको बताएं ध्यान की विधि। जय गुरुदेव जी। हमको गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते हुए गुरुदेव को है ना आज्ञा चक्र पर लाना होता है और फिर है ना 15 मिनट का ध्यान करना होता है और जो अपन को योगी क्रिया होती है उससे घबराना नहीं होता है। जी आपने एकदम अच्छी तरीके से बताया है। मैं अभी गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र चलाती हूँ, सभी उसे सुने, फिर हम 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। मैं भी गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करती हूँ, सभी उसे देखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, फिर 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकलें। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, सारे बच्चों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के मेडिटेशन और एक्सपीरियंस जूनियर सेशन में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार। जैसा कि यह कार्यक्रम हमारे सिर्फ बच्चों के लिए होता है, इसमें हम 15 मिनट का ध्यान करवाते हैं और 15 मिनट के ध्यान के दौरान ये कार्यक्रम हर सप्ताह हर रविवार को आता है 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो 9 से 9:15 बजे तक हम गुरुदेव की स्पीच को सुनाते हैं, उसके बाद 9:15 से 9:30 तक गुरुदेव का ध्यान कराते हैं। उसके ध्यान के बाद फिर हम बच्चों का जो भी ध्यान के दौरान अनुभूतियां अनुभव चाहे जो भी उनकी जिज्ञासा होती है मंच पे शेयर करते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले कौन सा बच्चा आ रहा है अपना अपनी अनुभूतियों को लेकर के कृपया हैंड रेज करें। आप आज काफी बच्चे हैं, अच्छा लग रहा है कि गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बरसती रहे सभी पे। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी बच्चा अपना हैंड रेज करे और अपनी अनुभूतियों को साझा करें और मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? अनिल जी की आईडी से बच्चों से अनुरोध रहेगा कृपया अपना अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो नए साधक लग रहे हो, थोड़ा सा अपना आप परिचय देना, आप कहाँ से हो, आपका नाम, थोड़ा सा अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे करके फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी आपका नाम बताएं। कोमल सुथार जी। कोमल सुथार। कोमल सुथार जी, आप कब से गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं बिटिया? 15-20 दिन से। अच्छा, अभी अभी हाल में फिलहाल ही आपने ज्वाइन किया गुरुदेव का। तो अच्छा, ये 15-20 दिन के दौरान पहले तो आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए। नाम तो बता दिया कि कहाँ से जुड़ती हैं? राजस्थान से। राजस्थान की किस शहर से? बिनोल। अच्छा जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बिटिया? पढ़ाई छोड़ दी। चलिए, कोई कारण होगा उसमें हम नहीं जाएंगे। तो आप ये जो 15-20 दिन से गुरुदेव का ध्यान कर रही हैं, इसमें आपको कोई अनुभव, कोई अनुभूति, कोई जिज्ञासा या कोई आपके जीवन में परिवर्तन ध्यान के बाद? एक अनुभूति हुई थी मेरे जी। कैमरे को थोड़ा सा एक जगह रखें, मोबाइल को एक जगह रख दें, फिर वो हिलेगा नहीं, हिल रहा है इसे। ठीक है, अभी सही है जी। अनुभूति, जो अनुभूति आपको ये थोड़ा बताएं। मुझे अनुभूति हुई, गुरुदेव आए थे और मेरे यहाँ पे टीका लगा के गए थे। अरे बाप भाई बाप, दादा गुरुदेव आए थे आपको? दादा गुरुदेव ने कोई संदेश भी दिया था कि आकर के टीका लगा कर ही चले गए? आके टीका लगा के चले गए। कोई अनुभव उसके बाद स्वप्न में गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का आना, कोई संदेश देना? कुछ नहीं हुआ अभी नहीं। चलिए, आपको दादा गुरुदेव और गुरुदेव ने अपनी शरण में ले रखा है। और हमारे इसमें क्या होता है ना, करना क्या है आपको तो मालूम है ना, नाम जप इसमें निरंतर है। आपको घड़ी की सुई की तरह जपना है, जैसे घड़ी की सुई नहीं रुकती उसी प्रकार से इस नाम को जपना, मंत्र को जपना है और सुबह शाम 15 मिनट खाली पेट गुरुदेव का ध्यान करना। आपके जीवन में कोई भी समस्या रहेगी वो समस्या दूर हो जाती है सिद्धियों के मेडिटेशन और ध्यान के दौरान। आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, भौतिक समस्या, किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सब अपने आप ठीक हो जाती। गुरुदेव कहते हैं कि आपको जो मैं नाम दिया हूं उसको आप जपो, 15 मिनट का सुबह शाम ध्यान करो, बाकी आपकी छुट्टी, उसके बाद गुरु का कार्य चालू हो जाता है। अगर गुरु में गुंजाइश है तो आगे का काम चालू हो जाएगा। और कुछ कहना चाह रहे हैं तो स्वागत है आपका।
जय गुरुदेव। कोई और अनुभूति हो तो आप शेयर कर सकती। जय गुरुदेव। आप लोग के यहाँ लग रहा है ठंड काफी बढ़ गई है। बहुत बढ़िया जी, बताइए। आज मेरे को है ना अनुभूति हुई, मम्मी की बहुत कमर दुख रही थी, तो मैंने को बोला कि गुरुदेव मम्मी की कमर ठीक कर दो, तो है ना गुरुदेव ने मम्मी के ऊपर हाथ रखा, मेरे मम्मी की कमर दुखना बंद हो गई। वाह भाई वाह, देखिए गुरुदेव कितने दयालु है कि आपने मम्मी के लिए प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना गुरुदेव ने स्वीकार कर ली और मम्मी की तकलीफ दूर हो गई। वाह वाह, आप क्या कहेंगे गुरुदेव को, धन्यवाद करेंगी ना? कैसे धन्यवाद करेंगी? थैंक यू गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपकी जय जयकार हो। ऐसे हम अपने गुरु का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। जब गुरु हमारे कष्टों को काट देते हैं, हमारे कष्टों का निवारण कर देते हैं, तो हमें उनको धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहिए? गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सदा जय जयकार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपने छोटी सी प्रार्थना की और गुरुदेव ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जय गुरुदेव बिटिया, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। आज मुझे ध्यान में दिखा के ना गुरुदेव तो है ना बहुत सारे फूल खिल रहे थे और उसके बीच में खड़े हुए थे। गुरुदेव बहुत सारे फूलों के बीच में खड़े हुए थे। पहले तो पूरा अंधेरा आया और एक अंदर गोल चीज थी उसके अंदर दिखे, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गए। वाह वाह, बच्चों को तो ऐसे भी गुरुदेव बहुत दिव्य अनुभूतियां कराते हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों गुरुदेव कृपा ऐसी बरसती रहे, आप लोग ऐसे ही ध्यान करते रहे निरंतर। अच्छा, एक सप्ताह के दौरान आपको कोई अनुभूति हुई है ध्यान के दौरान? हाँ मुझे हुई थी परसों, तो है ना ध्यान किया था ना, मैंने बताऊँ ध्यान किया तो बताऊ गुरुदेव है ना एक दीपक की तरह जैसे आए और वो तुम कल के अवतार घोड़े पे अवतार होते ना वैसे, फिर ना वैसे आए और फिर ना दादा गुरुदेव भी आ गए, दादा गुरुदेव भी आए, फिर वो तुम अपने अपने जगह मतलब गद्दी पे जाके बैठ गए, फिर गुरुदेव ने है ना मेरे सर पे मतलब मैं उनके दर्शन करी थी तो मैंने धूप भी लगी दोनों गुरुदेव के, जैसे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर मेरा ध्यान खुल गया। और बताऊ एक बार मैं और कोमल दीदी ने और नव्या ने हमने चैलेंज करा था गुरुदेव किसको ज्यादा ध्यान लगाएंगे, तो हम 15 मिनट हो भी गए और हमको यूं लगा 3 मिनट ही सुबह 3 मिनट ध्यान ही लगा। अच्छा अच्छा, लेकिन 15 मिनट हो गया था। वाह भाई वाह, 15 मिनट आपको 3 मिनट महसूस हुआ कि 3 मिनट ही हुआ हमें ध्यान करते हुए है? 3 मिनट हुआ सबको के ना यूं लगा जैसे 3 मिनट है ना ध्यान करा हो, लेकिन 15 मिनट बीत गया था ध्यान करते। वाह 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 वाह, ध्यान में से उठने का मन भी नहीं हो रहा था कि उठे ना, इतना अच्छा लगता है ना बेटा, क्या करे, इतना आनंद आता है ना कि होता है गुरुदेव और कुछ हो और कुछ हो और कुछ कराइए और कुछ दिखाइए, ऐसा मन में भाव आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब ध्यान लगता है गहरा ना, तो उस समय होता है कि बस इसी में पड़े रहे, चुपचाप पड़े रहे और गुरुदेव को सारा कुछ अनुभव कराते रहे। और मुझे सिर्फ गुरुदेव मेरे सामने बैठे थे और मुझे सिर्फ गहरा ध्यान लग रहा था और है ना मंत्र की आवाज आ रही थी। वाह भाई वाह, इतना दिव्य अनुभूति है आपकी, वाह बहुत अच्छा। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, अभी कहेंगे ना कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से मेरा निवेदन है, कृपया बच्चे आए सामने। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका।
सबसे पहले कौन आ रहा, माई बेटी आ रही कि देवांशी बेटी आ रही? ये अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट करें आप। आप स्पॉटलाइट पे हो। जय गुरुदेव। माई बेटी आपको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए आज मेरे को ये दिखा, मतलब गुरुदेव थे, मतलब गुरुदेव ने ना सेंटा क्लॉस की टोपी लगा रखी थी, और उनकी जो डैडी होती है वो लगा रखी थी, और उनके जैसे कपड़े होते हैं वैसे पहन रखे थे, और ये आलती पालती जैसे बैठते हैं आलती पालती मान के बैठे हुए थे, और लाल कुर्सी पे बैठे थे। गुरुदेव बोलते है ना कि आपके मन में जो भाव आएगा आपके मन के अनुरूप ही योग होता है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होता है। आपने ऐसा मन में सोचा होगा गुरुदेव मुझे सांता क्लॉज वाला दर्शन कराओ, आपने ऐसा सोचा था क्या मन में? गुरुदेव बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचोगे जैसा आप चाहोगे वैसा ही योग होता है। तो हम जिस रूप में गुरुदेव को जान देखना चाहते हैं पाना चाहते हैं गुरुदेव मुझे हमें वही दर्शन करवाते हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि की रचयिता है, उनको रूप धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। और दादा गुरुदेव ने ना बस उनकी टोपी लगाई थी, और मतलब उनके जो ऑरेंज कपड़े होते हैं वो ऑरेंज ही थे, और उसके ऊपर जैकेट डाला हुआ था, मतलब उन्होंने जैसे शॉल डालते हैं वैसे ही डाल रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। दादा गुरुदेव अपने ही वस्त्र में थे लेकिन टोपी लगाई थी सांता क्लॉज की। हाँ, और जैसे अपन लाल सोल डालते हैं ना ऐसे कुछ डाल रखा था। हाँ, तो चद्दर उधर दादा गुरुदेव तो चद्दर भी ओढ़ते थे। अच्छा, इसलिए वहां पे हम समाधि पे जाते हैं तो चद्दर चढ़ाते हैं उनको, क्योंकि दादा गुरुदेव को चद्दर बहुत पसंद था, साल बहुत पसंद थी। बहुत दिव्य अनुभूति है आपकी, और कुछ बताए एक सप्ताह के दौरान। कल मेरे को ये दिखा था कि मतलब एक अर्थ थी उसके ऊपर ये मतलब जैसे अपन सर्किल होते हैं ना कवच, हाथ रख रखा था गुरुदेव ने उसपे, एक कवच उस पर बन गया था, कवच गोल सा धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर धरती के ऊपर सर्किल थी, सर्किल में कवच के ऊपर गुरुदेव ने हाथ रखा था। नहीं मतलब वो जो सर्किल है ना वही कवच है। अच्छा, सर्किल के वही कवच के रूप में था वो। ये दिखाते गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है ना, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथों में है। और ऐसा कुछ बोल रहे थे अभी तो चीज याद नहीं आ रही वो। अच्छा, उन्होंने ऐसे बोल रहे थे शायद से कि है ना ये सबको बताओ ये मंत्र शायद ये गुरुदेव का संदेश है। गुरुदेव कहते हैं ना कि दुनिया को बताओ मंत्र के लिए, तो गुरुदेव ने कहा है कि सबको बताओ, सबको पहुंचा दो मेरी बात, मेरी आवाज में मंत्र सुनाना, और आपके जीवन में कोई बदलाव कोई अनुभव कोई अनुभूति ध्यान के दौरान चाहे समस्या का समाधान हुआ हो उसको भी बताओ, दुनिया को बताओ। और एक और अनुभूति थी मेरी पहले की, गुरुदेव तो याद नहीं है, मेरे को ऐसा दिखा था मतलब जैसे गुरुदेव थे उनके एक सर्किल था और उस सर्किल के ऊपर ऊपर रोशनी हो रही थी। जैसे गोल्डन हो या व्हाइट हो ऐसा कुछ था, गोल्डन था या फिर व्हाइट था, जैसे इंद्रधनुष का सर्किल बनता है वैसे नहीं, मतलब यू पूरा राउंड उसके अंदर गुरुदेव, राउंड सर्किल उसके अंदर गुरुदेव थे मतलब आधे। बहुत बड़े। मुझे एक क्वेश्चन जी पूछिए। ये दादा गुरुदेव की किसी में भी फोटो आती है तो आधी क्यों आती है? आधी कहाँ आती है, आपको ध्यान के दौरान आती है? नहीं नहीं मतलब जैसे इनकी तस्वीर में गुरुदेव की पूरी आती है मतलब फोटो, लेकिन दादा गुरुदेव की आधी क्यों आती है? तो ये ध्यान के दौरान आती है, कब कैसे आप इसको देख पाते हैं?
फोटो में देख गुरु भाई ये क्या है, फोटो के बारे में बात कर रही है, तो मैं इसको बाद में समझा दूंगा। वो क्या समाधि के मतलब दादा गुरुदेव हमेशा जो है समाधि में रहते थे ना, तो वो फोटो वगैरह कहीं कोई साधक या वो लेते थे तो वो बाहर से ले पाते थे भाई, वहां तक तो मतलब जो है जा नहीं पाते थे ना, तो शायद वो कारण ये इसकी जिज्ञासा उसी बारे में है कि पूरी फोटो क्यों नहीं आती ये बात। वैसे भी क्या है कि दो चार दिन पहले ही शायद मैंने किसी का अनुभव सुना था, तो वो जैसे दादा गुरुदेव जब काजलवास में मतलब शुरुआती जब तपस्या करते थे तो कुछ साधक वहां गए, तो फिर उनको जैसे मान लो कि दादा गुरुदेव ने कहा, मतलब बहुत बरसों पुरानी बात है कि मैं मतलब जो है वो जामसर में जो है वो तपस्या करूंगा और वहां समाधि लूंगा, तो उनने गुरुदेव हम आपको कैसे पहचान पाएंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया था, अरे एक पैर का अंगूठा और मेरी परछाई नहीं रहेगी, इस तरह का ये था गुरु भाई। तो वो कुल मिला के उनकी लीला है कि अपन उनका जैसे फोटो वगैरह में भी वो चीज नहीं आ पाई या जो भी है, वो तो सब उन्हीं की लीला है, अपने मानवीय बुद्धि से परी चीज है। जय गुरुदेव। बिल्कुल बोल भाई, सही बोल रहे, क्योंकि मैंने भी देखा है दादा गुरुदेव की तस्वीर पूरी नहीं कर। हाँ देवांशी बिटिया जी आपका स्वागत है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आपकी तबीयत सही है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। एक मैरी क्रिसमस पर लिखा हुआ आया था, उसके नीचे गुरुदेव की जो समाधि है वो बन रही थी। अच्छा, मैरी क्रिसमस के नीचे क्या लिखा था? मैरी क्रिसमस लिखा हुआ था ऊपर और उसके नीचे जोधपुर बना रहे थे, जोधपुर आश्रम बना रहे। अच्छा, जोधपुर आश्रम आपको बनते हुए दिखा है, वाह भाई वाह, और मैरी क्रिसमस ऊपर लिखा हुआ था। और उसमें दोबारा से मैरी क्रिसमस रखा हुआ है, उसके नीचे सांता क्लॉस थे। गुरुदेव ही तो है बिटिया ना, गुरुदेव ही चारों तरफ है, गुरुदेव के बहुत सारे रूप है, क्योंकि ईश्वर तो एक होता है, धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन सारे धर्मों का ईश्वर एक ही है, एक ही स्वरूप है, चाहे वो हम नाम कुछ भी दे दें। सांता क्लॉस ने मुझसे हैंडशेक किया और उसके पास में गुरुदेव खड़े हुए थे सांता क्लॉस। सेंटर क्लास ने आपसे हैंडशेक किया था, हाथ मिलाया था है? वाह, सेंटर क्लास में गुरुदेव खड़े हुए थे। अच्छा, उनके बगल में गुरुदेव खड़े थे, जय गुरुदेव बस इतनी है। अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत दिव्य अनुभूति है, यही कम नहीं है बिटिया। हम लोग तो तरसते रहते हैं गुरुदेव हमें अनुभव कराओ, लेकिन करवाते नहीं, आप लोगों को इतना सहज कराते हैं, अच्छा लगता है सुन करके देख करके कि आप लोगों को कितना सरल तरीके से गुरुदेव ध्यान करवाते हैं, योगी क्रिया करवाते हैं, अनुभव कराते हैं, दर्शन कराते हैं, सब कुछ उस सरलता के ऊपर निर्भर करता है। जय गुरुदेव। तो आगे बढ़ते हैं, और कोई? हरलाल धाकर जी, हाँ जी सर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बताइए बताइए, एक सप्ताह आपका कैसे बीता? ध्यान रेगुलर करते हैं ना आप? हाँ, अभी तो आपका तो ध्यान बड़ा बढ़िया लग रहा था, एकदम 15 मिनट तो एकदम शांत थे आज, आप कैमरे के सामने एकदम बढ़िया ध्यान में बैठे हुए थे, बताइए कोई अनुभव हुआ तो बताइए। आज कुछ भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, हमें भी नहीं कुछ होता है, हम भी लगे रहते हैं, हम चूंकि आपको एक समस्या है शारीरिक, उससे आपको बहुत लाभ है, यही कम नहीं है,
तो मैं तो इतना कहूंगा कि जैसे गुरुदेव ने आपको जीवन दिया है, गुरुदेव ने मुझे जीवन दिया है, हमारे लिए तो यही बहुत है कि हमारे जीवन में गुरुदेव आए। योगी क्रिया हो न हो, ध्यान लगे न लगे, इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो गुरुदेव ने जो काम सौंपा है उसको हमें करना है, हैं? हमें उस मंत्र को जपना है, सुबह शाम ध्यान करना है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि आप ये दो काम करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तो कब क्या करवाना है गुरुदेव जाने, हमें तो उनका साधक बन करके, उनका सेवक बन करके, उनका चाकर नौकर जो भी आप कहले, गुरुदेव की नौकरी सबसे बढ़िया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसके बाद कोई बेंद्रे जी थे, कोई बच्चा ध्यान कर रहा था, कहाँ गए? अनुद धारीवाल जी, आपका स्वागत है। धीरावत, अनु धीरावत, अगर कोई बच्चा है मंच पे तो स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। सभी प्यारे प्यारे गुरु भक्तों को मेरा जय गुरुदेव। बच्चों के अनुभव सुने मैंने, बहुत मैं भी एक मेरे बच्चे का सुनाना चाहती हूँ, अभी तो थोड़ा इधर है नहीं, तो मैं कोई सुना तो कैमरा भी आप अपना ऑन कर लें, क्योंकि ये दुनिया देखती है ना बच्चों की जिज्ञासा, चाहे बच्चों के अभिभावक अगर बच्चों के बारे में बताते हैं ना, तो इसे एक मोटिवेशन मिलता है, एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि हमारे गुरुदेव या कितने दयालु हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी थोड़े दिन में उनको भी, मतलब अभी थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती है आके बताने में, थोड़े ये सुनेंगे बच्चों का, देखेंगे अभी क्या है ना। देखिए ये गुरु का कार्य है, ये तो गुरुदेव का कार्य है, आप शुरू हो जाए उसके बाद प्रार्थना कर ले, गुरुदेव आप जानो आपका काम जाने। देखिए वो कैसे बुलवाते गुरु बहन। इसमें एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों को शुरू में क्या है, कैमरे के सामने आने में घबराहट होती है, तो वो कैमरा ऑन ना, मतलब ऐसे ऑडियो पे बोल दे, कोई इशू नहीं है। और अगर फिर भी उनको अगर बोलने में हिचकिचाहट होती है, केवल ध्यान ध्यान के लिए जुड़ जाए शुरू शुरू में, ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है ना। बिल्कुल। और बच्चे से पूछ रहे हैं आपकी क्या बोलना चाहते हैं, कोई जो अनुभूति हुई तो आप उनको अपने आप अपनी जुबान से बता सकते हैं, अपनी तरफ से उनको बोल सकती हैं। हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं मेरा बड़ा लड़का है शिव, वो मतलब ऐसे रेगुलर अभी उसने ध्यान नहीं शुरू किया है, लेकिन ये दोनों ही छोटा बच्चा 5 साल का है, बड़ा वाला 13 साल का है, तो गुरुदेव में इतनी ज्यादा श्रद्धा है उनकी कि थोड़ा बहुत कुछ होते ही वो फट गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, और गुरुदेव को मतलब नाम जब वो शिव बोलता है कि मैं नाम जप हमेशा करता हूँ, स्कूल जाता हूँ तब और रोड पे चलता हूँ तब गुरुदेव का नाम जप करता है। तो उसका एक अनुभव है जो मैं बताना चाहती हूँ कि उसको सपने में जैसे वो उसको क्या ये गाड़ियों का इनका थोड़ा क्रेज ज्यादा है, तो वो गुरुदेव से मुझे यही प्रार्थना करता है कि मेरे पास भी आगे फ्यूचर में गाड़ी और अच्छी हो ये वो। तो गुरुदेव ने सपने में एक बार कि मेरे को ऐसा सपना आया कि मैं एक अच्छी सी गाड़ी में बैठा हूँ और गुरुदेव बिल्डिंग से, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उससे निकल के आ रहे हैं और मेरी गाड़ी में आके मैं उनको बुला रहा हूँ कि गुरुदेव आ जाओ, तो गुरुदेव मेरी गाड़ी में आके बैठ गए, ऐसा सपना आया मैं। तो इस उस दिन के बाद जब उसने बताया तो मैं फिर मेरे को एक कंफर्म हो गया, गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया इसको। गुरुदेव का सपने में आना ही शरण में हो गया। हाँ अब एक ध्यान ध्यान में थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं मेरे बच्चे, तो मैं इनको धीरे धीरे क्या करेंगे, बच्चे हैं और गुरुदेव को जब भी अपनी तरफ अपने ध्यान में लेना होगा वो खुद ले लेते हैं गुरुदेव। हाँ करते हैं वैसे, लेकिन रेगुलर नहीं करते हैं, धीरे धीरे करने लग जाएंगे, मुझे है भरोसा कि सब करने लग जाएंगे, गुरुदेव अपने आप कर लेंगे। आप प्रयास करते रहे, जैसे आप ध्यान करती हैं रेगुलर, तो उनको बुला लें अपने पास बिठा लें। हाँ
हमें बस कहना है, करना नहीं करना हो तो गुरुदेव का काम है, वो खुद करवा लेते हैं। गुरुदेव उनको खुद ही करवा लेंगे, ले लेंगे शरण में। गुरुदेव आप जानिए आपका काम, जानिए मैं तो आपकी दास हूँ, मुझे तो आपने जो काम सौंपा है उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चों को भी अपनी शरण में लीजिए और उनसे भी ध्यान नियमित करवाइए, ये हमें प्रार्थना रेगुलर करनी चाहिए। हाँ, अभी गुरुदेव के आश्रम में मैं गई थी पहली बार थोड़े टाइम पहले, तो वहां पर भी मतलब मैंने गुरुदेव से यही प्रार्थना करी कि अभी बच्चों को पूरी तरह से अपनी शरण में ले लो आप और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव बहुत दयालु हैं, गुरु बहन बहुत दयालु, दुनिया का भार लेकर के चलते हैं अपने ऊपर। हाँ बिल्कुल, दुनिया का भार और समस्त गुरु की यही पहचान है कि दूसरों को कष्टों को काटे। हाँ। आपके कष्ट मेरे कष्ट सब अपने ऊपर ले ले, ये समर्थ गुरु की सही पहचान, असली पहचान यही। गुरु हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं गुरुदेव, हर छोटी छोटी बात का। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको जो मैंने नाम दिया है उसको आप जपो और सुबह शाम ध्यान करो और सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर। सब ये कुछ छोड़ दो, अपने को कितना सा पूरी लाइफ अपने हाथ में ले लेते हैं गुरुदेव। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में पग पग पे समस्या है, हमारी डिमांड कभी पूरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, हमारी डिमांड कभी पूरी नहीं होती, एक क्योंकि तब तक दूसरी तैयार हो जाती है। हाँ। तो हमें सब कुछ उनको अर्पित करके सौंप देना चाहिए कि गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो आपके रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तक आप लेकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही प्रार्थना होती है कि आप जानो आपका काम जाने। हाँ, हमें जो आपने कार्य सौंपा है, मुझे आपकी नौकरी सहज रूप से स्वीकार है। हाँ, तभी तो परिणाम आता है। गुरुभान गुरुदेव बोलते हैं ना कि अंदर से झुक करके मांगो, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल, प्रार्थना तुरंत स्वीकार करते हैं गुरुदेव, बस तुरंत। गुरुदेव तो खुले मन से चैलेंज किया है कि गांव वालों को चाहे किसी को बता दो कि इनकी तस्वीर के सामने झुक करके प्रणाम कर ले, इतने से ही काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो भाव का बस चक्कर है, हमें गुरुदेव को किस रूप में किस भाव में हम लेते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। गुरुपन हमारा ये सेशन शाम को भी आता है, उससे आप जुड़ा करें नियमित। हाँ, गुरुपन जुड़े, गुरुपन ने अपनी अनुभूतियां भी शेयर की है। और दूसरा मैं निवेदन करूंगा, सुनील बाकर जी गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, अगर उनके बच्चे हो तो वो भी शेयर करें जी। अभी अभी अनुभवान का याद आया, अभी दो पिछले सप्ताह से जुड़ रही है, वो कार वाली बात आप ही की है ना गुरुबान, जो आप लेकर के हाईवे पे निकल गई थी। आ गया, समझ में आ गया। मेरे को अभी जब से ये मैसेज आया था, नया ग्रुप बना, उस दिन से मैं जुड़ी हुई, तीन चार दिन हो गए। बहुत बढ़िया, आप जुड़ते रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत अनुभूतियां हैं, आपकी अनुभूतियों को सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते। बिल्कुल, गुरुदेव की बहुत कृपा है, गुरुदेव ही है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जीवन में उनके अलावा कुछ है ही नहीं गुरबान, कुछ नहीं है, बस वही है जो है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका। सुनील बाकर जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपको मंच पे आपका स्वागत है। कोई बच्चा आपके साथ है तो कृपया सामने लाए। जय गुरुदेव भाई जी, बच्चा तो नहीं है, सेशन अच्छा, सुनने का आनंद ले रहे थे वैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक, वैसे मैं पर्सनली आपको जानता हूँ। हाँ वैसा जी जी, जी बिल्कुल ओके, जय चलिए अच्छी बात, जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। उपेंद्र जी किधर गए?
चलिए फिर हम अभी बच्चों का टैलेंट ले लेते हैं। 10 बज गया। अनिल जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, कृपया मंच को साझा करें और शोभा बढ़ाए मंच की। कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या अरे वाह वाह वाह, तो बड़ा बढ़िया आपने बनाया गुरुदेव को, वाह बहुत खूब बहुत खूब एकदम जैसे गुरुदेव ऐसी इसी मुद्रा में बैठते थे। पेंसिल से आपने बनाया ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बहुत खूब। गुरुदेव मैं ना गाना गा रही हूँ गुरुदेव के। जी जी स्वागत है, सुनाइए। गुरुदेव भोग पुराओ माठी रंगाओ, आज मेरे गुरुवर घर एंगे, आज मेरे गुरुवर घर आएंगे, खबर सुनो जो खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे गुरुवर घर आएंगे, आज मेरे गुरुवर घर आएंगे। एरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री, निकलेगी आज मेरे गुरु की सवारी। कोई काजल लाओ री, मोरे कोई टिक्का लगाओ री, लक्ष्मी आओ री, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे गुरुवर घर आएंगे, आज मेरे घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ठंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले, पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन परियों घेरा, अनहन बजाओ अनहन नाद बजाओ, सब मिल आज मेरे गुरुवर घर आएंगे, आज मेरे गुरुवर घर आएंगे। जय गुरुदेव। वाह वाह वाह, आज मेरे गुरुवर घर आएंगे, आरती सजाओ मंगल गीत गाओ, क्या क्या करो, लेकिन आज गुरुदेव आएंगे हमारे घर। उनके स्वागत में आपने तो बहुत कुछ कर दिया कि ये सब करना है, गुरुदेव हमारे घर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपने अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, स्वागत है। जय गुरुदेव। माई बिटिया आपका मंच पे स्वागत है। कैमरा माइक दोनों अनम्यूट कर लें आप। देवांशी बिटिया दिखा रही सबसे पहले। वाह वाह वाह, आपने क्या बनाया है, थोड़ा दिखाएं। माँ लक्ष्मी, ऊपर क्या लिखा आपने, कृष्णा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। हाँ अभी बोलिए। लक्ष्मी है, ये कृष्णा जी है, बीच में गुरुदेव खड़े हैं,
नारायण जी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव में सारे भगवान हैं। सारे भगवान गुरुदेव में समाहित, लक्ष्मी जी हो चाहे कृष्ण जी हो चाहे नारायण भगवान हो, सब गुरुदेव के अंदर समाये हुए। बहुत बढ़िया, क्या भाव आप लोग पैदा कर लेते हो कि मतलब इतना भाव से आप लोग बनाते हो, वाह बहुत बढ़िया। और कुछ है? नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपका स्वागत। आपने क्या बनाया है? ये बनाया गुरुदेव का परिवार तो नहीं है? मेरा परिवार बताओ। हाँ, सही समझा। बताओ आप, बताओ अब बताओ। ये है देवांशी। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटी सी। ओके। और ये है पापा। अच्छा ठीक है। ये गुरुदेव हैं, इनके ऊपर दादा गुरुदेव हैं। अच्छी बात। ये मम्मी। अच्छी बात। और ये मैं। अच्छा अच्छा बहुत खूब। गोद में कोई बच्चा है? हाँ हाँ। अच्छा, अभी छोटी बिटिया, पिंक कलर की वजह से नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, कोई बात। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह वाह, ऐसे बच्चा बिल्कुल गोद में दिख रहा है। हाँ मैंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुदेव आप सब लोगों के बीच में है, दादा गुरुदेव ऊपर में है। आराम से गिरा, अब बताओ ना। एक मिनट बना, बोल दो कोई बात नहीं, बोल ये मैंने एक और चीज बनाई, डिजाइन कर पीस ले गई थी, सर्कल में डिजाइन करके। हाँ, आई लव यू गुरुदेव एंड दादा गुरुदेव। बहुत बढ़िया, सर्कल डिजाइन किया हुआ है। सर्कल डिजाइन करा, यहाँ से फ्लावर निकाला है। हाँ हाँ, बहुत खूब। मुझे खुशी इस बात की होती है ना कि आप लोगों की सोच इतनी यूनिक होती है और उसको आप लोग कागज पे उतार देते हो। गुरुदेव है क्या उसी? ये मैंने स्कूल के लिए बनाया था लेकिन काम ही आया था। ये था, इसमें एक ट्री था, उसमें कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। ट्री के पास से आधे बच्चे जा रहे हैं, आधा ही आगे है, और ये स्कूल है, अभी स्कूल में नहीं हुआ कलर पूरा। बहुत बहुत ग्रास यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। बहुत खूब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। हरलाल धाकर जी, जय गुरुदेव, आपकी आईडी से हमारे बलराम जी का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। भजन सम्राट भजन सुनाए, आपका तो पूरा परिवार, मम्मी भी गाती है, पापा भी गाते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, जो खिल चुके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, जो दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो सखा।
सेवा तुम्हारे तुम्ही हो साथे तुम्ही हो सारे न होई अपना सेवा तुम्हारे तुम्ही हो दैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो सब कुछ तुम ही हो, आप मेरे सब कुछ आप ही हो। बहुत बढ़िया, आपने इसको प्रस्तुत बहुत बढ़िया किया, गाया बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत खूब। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपना टैलेंट दिखाना चाहते तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम समय हो गया है, जयकारा लगाएंगे और गुरुदेव के इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। शायद कोई बच्चा अब नहीं है अपनी टैलेंट को लेकर के, तो मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि अपना माइक और कैमरा अनम्यूट कर लें, हम जयकारा लगाएंगे और गुरुदेव कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करेंगे। सभी से निवेदन है कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें, जयकारा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। जय गुरुदेव। सारे लोग तैयार हैं? हाँ। अनिल जी की आईडी से बच्चे, अभी आपका माइक बंद है अनिल जी। अनिल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। किधर? अच्छा आप बाहर आ गए लग रहा है। तब बोले ना बच्चे, तब बोले। चलिए चलिए अब जयकारा लगाते हैं, ठीक है। उदित प्रकाश जी गुरु भाई, बच्चों को थोड़ा सा कैमरा ऑन करवाइए। माइक भी अनम्यूट कर ले बिटिया, माइक बंद है आपका। हाँ अभी लगाते हैं, चलिए बोलिए। कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। दादा गुरु की जय हो। दादा गुरु की जय हो। गंगाईनाथ महाराज की जय हो। गंगाईनाथ महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। और इस विश्व का कल्याण, इस विश्व का कल्याण। हर हर कल की, हर हर कल की, हर हर कल की, हर हर कल की। कृपया रिकॉर्डिंग को बंद कर दें।